अल्लाह तुम अपने नबी चले फरमा। असं तो यही दुआ करने, हर वक्त दुआ यही करनी चाहिए इंसान को कि अल्लाह तबारक तआला साड़ी जी जिंदगी वो इस तरह गुजार दे जिस तरह नबी करीम ने गुजारी और सेहतमंद जिंदगी अता करे। अल्लाह तबारक तआला किसी का मोहताज ना करे। बस मैं हूँ खुश हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे को बहुत सारिया जड़िया यकीन नहीं होता कि मेरे को आई ऐसी चीज़ें जिस तुर्की तो मिली हैं, कोई मिस्र तो मिली हैं, कोई इदन तो मिली हैं, कोई मैं ताइफ तो मिली हैं और मैं नाल हत लिखा है कितने कहीं चीज़ कितों मिली क्योंकि मैं नहीं चाहता सी, मैं चाहता सी उस बंदे नूं भी जिस बंदे ने मैं ये तोहफा देता उनकी मेहरबानी कौन दिंदा ते उहदा भी नाम विच आवे और वह भी इस तों दुआ साडी उहदे मुस्तफीद होवे। अल्लाह दा देने वाला बंदा तो मुस्तफीद अल्लाह की रहमत तो होंदा ही है। लोगों ने जाना चाहिए सुबह बार फरमाया कि किस्म दियो अगर कोई इज्जतदार बंदा है उसकी बेइज्जती होती है तो उन्हें छुप छुपा के दियो, अगर किसी किसी को रगबत देनी है तो फिर छुपा सामने दियो ताकि दूसरे लोग उसकी मदद कर। दुआ तो दुआ ही है, वो उंज भी आ सकती है, हो सकती है पर फिर भी मैं सारे नाल लिखते नाल जिन्हें जिन ज्ञान है मैंने कोई ना कोई कभी चीज दो चीज़ें मिली हैं। 36 साल लगने मैं ये काम कर रहे हैं, 36 साल में इतने पहुंचे 450 तकरीबन तबरकात हो गए हैं। लोग आते हैं ज्यारत करते हैं और पावा देंगे दे इमाम ताज़ा करते हैं और मक्के मदीने जान की रगबत ज़्यादा पैदा होती है, दिन से बहुत पैदा होती है दीन तो चलने तफरीक अदा करे लेकिन जो चीज़ा दे दें फिर नमाजा रोजे हज सब कुछ याद आता अगले अल्लाह तबारक तआला फिर दीन की सूझ बूझ पैदा करता। बहर मैं मशहूर हाँ थोड़ा जी।